आधे संसार कार्यक्रम को अपनी ओर से प्रारंभ करने की ओर चल रही हूँ। सबसे पहले ज्ञानपुर की पावन भूमि को नमन करते हुए, ज्ञानपुर पावन रज को चंदन समान मस्तिष्क प्रांकित करते हुए आए हुए दूर दूर से कीर्तन प्रेमियों को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। स्वागत अभिनंदन है हमारे आए हुए कीर्तन कलाकार बंधु श्रोता बंधुओं को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। आज इस कार्यक्रम के आयोजक हैं परम आदरणीय सम्मान्य श्री दुर्गेश शुक्ल जी जो भागवताचार्य हैं, आदरणीय शास्त्री जी को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। स्वागत अभिनंदन है परम आदरणीय श्री दुर्गेश शुक्ल जी भागवताचार्य ज्ञानपुर, कोटि कोटि धन्यवाद है जो आपने अपने ग्राम में आने का अवसर प्रदान किया है। और आदरणीय भैया श्री रामो शुक्ला जी ज्ञानपुर, परम आदरणीय भैया श्री राजकुमार अवस्थी जी ज्ञानपुर, आदरणीय श्री रानू वाजपेयी जी जब्बरखेड़ा, भैया श्री कौशल दीक्षित जी ज्ञानपुर, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। स्वागत अभिनंदन है मेरी ओर से। इस सुंदर सी व्यवस्था को आज आपने और सुंदर से कार्यक्रम को आयोजित कराया है, इसके लिए मैं आदरणीय भैया जी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद है। माता रसोईया के पद चिन्ह पर चलने वाली हमारी माताएं बहने, आप सभी का भी मेरी ओर से स्वागत अभिनंदन है, नमन वंदन है। संपूर्ण रात्रि एक सहयोगी कलाकार की भूमिका निभा रहे हैं आदरणीय भी हमारे सब्बीर जिद्दी जी, जय हो। आपका और आपके कुशल सक्षम साथी कलाकारों का मेरी ओर से स्वागत है। आदरणीय भी हमारे दीपक नादान जी, आपके माध्यम से इस विशाल मंच पर आने का अवसर प्रदान हुआ है। भैया हमारे दीपक नादान जी, आपको भी ढेर सारा धन्यवाद है। बिना किसी विलंबता के कार्यक्रम को मैं शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ के लिए चल रही हूँ। मध्य प्रदेश की भूमि से पधारी हुई बहुत ही छोटी पार्टी कल्पना द्विवेदी संकीर्तन मंडल जिला भिंड हाल मुकाम को जालम से आपकी सेवा में उपस्थित है और इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया हमारे संजय भैया जी। आज का कार्यक्रम YouTube के माध्यम से पूरे विश्व में सुना जाएगा। अपनी ड्यूटी पे आ गए भैया हमारे संजय भैया जी के एस म्यूजिक चैनल, जिसके माध्यम से पूरे विश्व भर में आज का कार्यक्रम सुना जाएगा। बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन वीडियो भैया के द्वारा बनाया जा रहा है, आप लोग भी सुनिएगा और उनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक जवाबी कीर्तन का सुनने का लाभ उठाएंगे आप लोग। तो भैया हमारे संजय भैया जी, आपको भी हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। जय राम जी की भाई साहब, जय राम जी की, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। बेहतरीन साउंड व्यवस्था जिनके द्वारा मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है, बेहतरीन ऑपरेटिंग के लिए भैया को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। स्वागत अभिनंदन है। आइए आदिदेव महादेव के सुपुत्र श्री बाबा गणेश का आवाहन, स्वरों के अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का आवाहन, तत्पश्चात सवाल जवाब, जवाब सवाल, आप लोग रात्रि भर आनंद लेंगे इसी आशा विश्वास के साथ कार्यक्रम प्रारंभ है। कल्पना द्विवेदी भिंड मध्य प्रदेश। Yeah!
माँ की ज्योति सुरूर मिलता है तो गमे दिल को सुरूर मिलता है, क्योंकि माता के दरबार में आने जाने वालों को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो मैं भी आपके दरबार में आ गई हूँ माँ, और चाहती क्या हूँ, चाहूँ संगत भाई मुकेश भाई, कोई जोर नहीं है, कोई जोर नहीं बेटा, और क्या। मैंने सदा ही माँ का दर्शन करे और मुख माँ की महिमा का वर्णन करे, माँ सदा ही कथा करे श्रवण करे, मन से मने होता है, दीप में सूर जैसा जोश नहीं होता है, मन में उलझन तो दिल खामोश नहीं होता है, देने को तो दे रहे हैं प्यार ये दुनिया वाले, मगर मां ना दे प्यार तो संतोष नहीं होता है। इसलिए माँ अरशीष तेरे चरणों में झुकता रहे, Yeah!
भाई मुकेश जी काफी मेहनत कर रहे हैं। और क्या बेटा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो ज्ञानी लोग हैं, क्योंकि गांव का नाम ही है ज्ञानपुर। बहुत मेहनत कर रहे हैं बेटा मुकेश, जाड़ों में पसीना आता है लेकिन गर्मियों में नहीं आ रहा, यही तो मेहनत का फल है। तेरे चरणों में झुकता रहे, अरे सदा ज्ञान का सूरज उगता रहे, पाठ और पूजा की उत्सुकता रहे, मीरा राधा की मानसिकता। थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। आखिरी बंद महामाई के चरण में समर्पित कर रही हूं मां, मां पीड़ा के हर तारों को झनकृत करो, और शब्द अलंकारों को अलंकृत करो, प्रार्थ की प्रार्थना यदि स्वीकृत हो, दुनिया में कल्पना भी कला करो, भक्त हैं सबके लिए मांग रही हूं। जी।
सबीर जिद्दी बालामऊ एवं हमारे यहाँ उपस्थित भाई बहनों माताओं को मेरी तरफ से कौन सा मोड़ आया क्या बात है क्या बात है क्या बात है